फ्रेंड्स, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है। इसी क्रम में मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ था एम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, 19 एम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड वन की काउंसलिंग में कितना एक्सपेक्टेड स्कोर पे आपको मिल सकता है। 19 एम्स का मैंने कैटेगरी वाइज वीडियो बनाया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया है वो वीडियो तो दूसरा, आज की वीडियो का क्या मोटो है? आज की वीडियो का ये मोटो है कि एमसीसी की काउंसलिंग राउंड वन से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कितने पर्टिकुलर स्कोर पे आपको आने वाले टाइम में 15% ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट्स अदर स्टेट, दूसरा डीयू इंटरनल कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोटा है, दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ बीएचयू ओपन, इसी तरह से एएमयू ओपन, एएमयू इंटरनल, इसी तरह से जिपमर की सीटों के लिए कितना एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है राउंड वन में। मैं राउंड वन की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जो आपका काउंसलिंग शुरू हुआ होगी वो केवल राउंड वन की होगी। तो यहां पे मैंने 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस को भी कंसीडर किया है कुछ हद तक, लेकिन ये देखने की बात होगी कि किस तरह से सीट मैटर्स आती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, क्या इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता। वैसे तो इम्प्लीमेंटेशन इसमें बोली दिया है होने को। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो लेंदी होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं होता है कि एक मिनट में आपको 605, 610, 615, 550 बोल के वीडियो ख़त्म कर दिया, आपने लाइक कर दिया, लो शेयर कर दिया, आप उसके कट ऑफ के अंदर आ गए, आप खुश हो गए, आपने सब कुछ कर दिया, जैसा कि कई सारे नमूने करते हैं, बड़ी टीवी वाले नमूने जो कि जिनको पेपर एनालिसिस तक नहीं आती है कि सही से पेपर एनालिसिस कर सकें, वो फर्जी का कट ऑफ आपको देते हैं, एग्जाम से पहले ही कट ऑफ डाल देते हैं, स्काई रॉकेटिंग, ये रॉकेटिंग, वो रॉकेटिंग। तो उस तरह का वीडियोस मैं नहीं बनाने वाला हूँ। मेरा मकसद ये रहता है कि थोड़ा सा जेन्यून टाइप का वीडियो हो, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अगर डेटा दूँ तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और आप ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर बोर हो रहे हैं वीडियो से तो स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, हालांकि अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में कहीं पर भी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 15% ऑल इंडिया कोटा में क्या हो सकता है इस बार राउंड वन में। तो राउंड वन में 27% बीसी और 10% ईडब्ल्यू लगने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा राउंड वन की 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। सब में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्योंकि ये 15% एआईक्यू की ही काउंसलिंग में लग रहा है इसलिए यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 15% एआईक्यू के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी लग चुका है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एम्स में तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एम्स में तो बहुत पहले से लगा हुआ है, इसी तरह से बीएचयू में भी लगा हुआ, हर जगह लगा हुआ है, आपके स्टेट कोटा में ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हुआ है, केवल 15% एआईक्यू की सीटों के लिए ये 10% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी लग रहा है जो कि अभी चल रहा है, तो और सब में इम्प्लीमेंट है हर जगह। आप स्टेट कोटा में यही रिजर्वेशन जो लगने वाला है 15% एआईक्यू में यही फॉलो करके आप वहां से सीटें ले रहे हैं ऑलरेडी, यहां पे लगने की गुजारिश थी इस बार। दोस्तों, 15% एआईक्यू में जैसा कि मैंने बताया था लगभग 4000 के करीब सीटें हो सकती हैं, और इसका जो कट ऑफ हो सकता है वो जनरल के लिए राउंड वन में कुछ अप्रॉक्स जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में गैप रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एससी और एसटी का कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जाएगा, काफ़ी कम जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि पेपर हलवा है, लेकिन पेपर हलवा सबके लिए नहीं था। अगर आप देखेंगे एससी और एसटी कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से काफ़ी कम है, मींस एससी एसटी कैंडिडेट्स काफ़ी लोअर रैंक तक जा रहे हैं,
लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को काफ़ी लोअर रैंक तक सीटें मिल सकती हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस बार सीटें भी बढ़ रही हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि पेपर ईजी था लेकिन सबके लिए नहीं था। जब मैंने पेपर एनालिसिस की थी तभी मैंने बोल दिया था कि पेपर आपका कंपेयर टू 2021 ही जैसा रहेगा, मतलब 2021 जैसा ही रहेगा, लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हालांकि जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मैक्सिमम लोगों ने एग्री नहीं किया कि सर सारा ये आपने गलत बताया है। जब मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया तब तो सारे डिसलाइक ही हो गए थे। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे साथ भी थे, ऐसा नहीं है कि सबने डिसलाइक किया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे जो सपोर्ट कर रहे थे मुझे। हालांकि यूट्यूब में 99.99% लोगों ने फेक ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि नहीं 570-575 ही जाएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया था विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस, कुछ भी नहीं किया, बस ज़बरदस्ती पीछे से एक बोर्ड लगा के और दे दी इन्फॉर्मेशन। देखिए छोड़िए उन लोगों के बारे में, वो फर्जी लोग हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रही हमारी 15% AIQ की, अब बात कर लेते हैं DU कोटा की। DU कोटा में हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं? देखिए MAMC हमारा आता है, ठीक है, UCMS आता है और LHMC आता है, ठीक है, ये तीन कॉलेजेस आते हैं। इसमें से LHMC केवल गर्ल्स का है, तो LHMC का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो बॉयज़ के लिए केवल UCMS तक सीमित है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, आप कट ऑफ देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे UCMS और LHMC अलग अलग से दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चलता है, क्योंकि LHMC गर्ल्स का है तो गर्ल्स का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है, ठीक है, राउंड वन में इतने से मिल सकता है और राउंड टू और मॉपअप तक तो और भी कम जाता है। मैं केवल राउंड वन तक आपको बता रहा हूँ आइडिया। ये तो रहा DU कोटा की सीटों के लिए। अब IP कोटा की बात कर लेते हैं, इंप्रेस यूनिवर्सिटी। इंप्रेस यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं जिनका कि MCC काउंसलिंग कराता है। मैं यहाँ पे NDMC और BSA को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉलेजेस हमारे सबसे पहले तो BMC और सफदरजंग हॉस्पिटल, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, टॉप कॉलेज, इंटरनल PG, जिसको मिल गया उसके भाग्य। मीन्स अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो ही आपको BMC मिलता है। BMC अगर आपको मिला तो बेस्ट है। BMC मिला या राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी PG वाला कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद आपका ये सारे कॉलेजेस आते हैं। तो दोस्तों ये कॉलेजेस बहुत ही, मीन्स ये मान के चलिए कि यहाँ पे SC और ST का आप देख रहे होंगे बहुत ही कम स्कोर पे जाते हैं। ST कैंडिडेट्स को तो बहुत कम स्कोर पे सीटें मिल जाती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ST कैंडिडेट्स का इस बार और भी नीचे जा सकता है। ये जो मैंने एनालिसिस की हुई है लगभग इसी के इर्द गिर्द रह सकता है। ये तो रही बात IP यूनिवर्सिटी कोटा की। NDMC और BSA ये अलग है, और इसके अलावा ACMS भी है, उसकी काउंसलिंग IP यूनिवर्सिटी कराता है, ठीक है, जो काउंसलिंग MCC कराता है, मैं केवल उसका डेटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिपमर की। जिपमर ओपन कैटेगरी, जिपमर में दो कैटेगरी होती है, जिपमर ओपन होता है, जिपमर इंटरनल होता है। जिपमर ओपन सबके लिए ओपन होता है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। बहुत ही मीन्स के मैं समझ लीजिए कि एम्स न्यू दिल्ली के बाद केवल जिपमर की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो जिपमर में आप देख रहे होंगे कितना, अगर 300 से नीचे रैंक है तभी आपको सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पे बहुत ही काफ़ी एक्सपेक्टेड स्कोर रहता है। यहाँ पे OBC और EWS से कंपेयर टू जनरल कम जाता है। इसके बाद जिपमर इंटरनल की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी, ये केवल जिपमर पुडुचेरी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कराईकल कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिपमर पुडुचेरी इंटरनल, जहाँ पे देख रहे होंगे जिपमर पुडुचेरी का वैसे भी मेरिट बहुत ज़्यादा जाता है, जो पुडुचेरी डोमिसाइल के कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेरिट बहुत ही लो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कट ऑफ में भी इतने इजी वे में आपको सीटें मिल जाती हैं। यहाँ पे ST कैंडिडेट्स को तो यहाँ पे 6-7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिल जाती हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल जो सीटें हैं जिपमर पुडुचेरी डोमिसाइल के लिए, वो बहुत ही आसानी से कैंडिडेट्स को मिल जाती हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं बीएचयू। बीएचयू के चांसेस बहुत सारे कैंडिडेट्स के बन रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा भी है और उनका अच्छा स्कोर है, 685 690 के करीब उन्होंने स्कोर किया है, तो बीएचयू में उनके चांसेस बनते हैं। बीएचयू में भी कुछ इस तरह से कट ऑफ रह सकता है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बीएचयू में क्या है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स को काफ़ी फायदा मिलता है। एससीएसटी का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाता है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। ये रहा बीएचयू के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट, यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो है उसका जो कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए जा सकता है वो कुछ इस तरह से जा सकता है। यहाँ पे दो सीटें होती हैं, या ओपन कैटेगरी या एनआरआई कैटेगरी। ओपन और एनआरआई में कुछ इस तरह से जा सकता है। इसी तरह से जो एएमयू इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने 2 या 3 साल एएमयू इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड स्टडी की हुई है, वो इंटरनल कोटा में आते हैं, तो इंटरनल कोटा का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। तो एएमयू इंटरनल का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे बहुत ही आसानी से आपको सीटें मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरह से राउंड वन में आपकी काउंसलिंग में आपको मिल सकती हैं सीटें, डिपेंड करता है किस तरह से आपकी सीट मैट्रिक्स आती है। तो ऑन एंड अराउंड कुछ इस तरह से आपका ओवरऑल इंस्टीट्यूट का हो सकता है। मैंने कोशिश की है कि इसको नियर बाई ट्रुथ के करीब लाया जाए, और इसीलिए मैं वीडियोस को थोड़ा लेट बनाता हूँ कि प्रॉपर एनालिसिस हो जाए, उसके बाद ही कुछ इनपुट आपको दिया जाए। तो राउंड वन में कुछ इस तरह से इन इंस्टीट्यूट का रह सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।